सुप्रभात मान्यवर, आज आपको एक अलग सा वीडियो दिखाने वाला हूँ। ज़्यादातर वीडियोस में मैं ट्रैवल करता हूँ, आसपास में कहीं घूमता हूँ, आपको नेचर के नज़ारे दिखाता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो एकदम अलग होने वाला है। दरअसल ये मेरे माइंड में एक आइडिया आया, हमारे पास में कुछ नेपाली मज़दूर काम करते हैं, तो मैं काफ़ी दिनों से उनकी जो लाइफ है वो देख रहा था और मुझे एक अलग सी फीलिंग आई उनकी लाइफ को देख के। मुझे लगा कि आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए, ख़ास करके जो खुशियाँ हैं हम लोग जिसको खुशी समझते हैं, क्या वो खुशी है। मैं आज आपको एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो दिखाने वाला हूँ हमारे एक नेपाली फैमिली का। दरअसल वो बिल्कुल यंग एज के हैं, उनकी उम्र है 18 साल, और 18 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली और नेपाल से वो भारत आ गए काम की तलाश में अपनी वाइफ़ के साथ में। क्या कुछ होता है, कैसा उनका नज़रिया है, क्या उनके सपने हैं, किन सपनों को लेके वो भारत में आए, आज ये हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। सच बात तो ये है, इस वीडियो से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि हम अपनी लाइफ को जिस नज़र से देखते हैं, क्या हमें हर बार उसी नज़र से देखना चाहिए या और भी एक लाइफ का नज़रिया होना चाहिए। तो आइए तो शुरू करते हैं आज का एक इंटरेस्टिंग वीडियो। ये देखो कैसे करना है, ये जो तना है ना जो इतना खाली दिखाई दे रहा है, इसको नहीं खोदना, इसको बिल्कुल भी नहीं खोदना, टच भी नहीं करना, ठीक है। ये जो घास दिखाई दे रही है, ठीक है, इसको ना यहाँ से इधर से खोदना ऐसे करके, ठीक है। और जो घास है उसको झाड़ के पहले पीछे रख देना उसको, घास को, हाँ एकदम पीछे, फिर बाद में हम उसको तौलिए में डाल देंगे, हाँ ठीक है। किसी भी पेड़ में जो तने के पास का एरिया है वो नहीं खोदना, ठीक है। कैसा लगा यहाँ पे? ठीक है। हैं? अच्छा लगा। इसका उम्र कितना है? 18। इसका भी 18 और तेरा भी 18। तो इतनी जल्दी क्यों किया तुमने शादी? पता नहीं क्यों किया। पता नहीं क्यों? किसने कराया? पापा ने? खुद किया। खुद ही किया? तुम दोनों ने शादी खुद किया? कौन सी क्लास तक पढ़ा ये? 10 तक पढ़ा है। काठमांडू से 2 दिन, यहीं से हम 3 दिन में घर पहुंच जाता हूं। अच्छा, यहां से 3 दिन में घर पहुंच जाते हो? हां जी। अच्छा अच्छा, यहां से बाउंडर में 2 दिन में, 1 दिन में बाउंडर से उधर। अच्छा, तो
तो पैसा कितना लग जाता है यहाँ से गांव पहुँचने में? हमारा पैसा यहाँ इंडिया का 4,000। इंडिया का 4,000? हाँ जी। और नेपाल का 6,000? हाँ। अब यहीं रहोगे तुम लोग, है ना? हाँ, 1-2 साल तो यहीं रहेंगे। 1-2 साल? वो तो मना कर रही है। कांसी रहेगी यहाँ हमारे घर में? बेटी का जाएंगे। पक्का ना? ठीक है। दिल लग जाता है यहाँ पे? अच्छा बताओ, नेपाल अच्छा है या इंडिया अच्छा है? नेपाल अच्छा है। नेपाल अच्छा है? अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा? घर का याद आता है? मम्मी पापा कहाँ है तुम्हारा? मम्मी पापा नेपाल। नेपाल में? मम्मी पापा का याद आता है? अच्छा भाई, इसको ले जाइए मम्मी पापा से मिलाने के लिए। 2 साल के बाद लूँगा। 2 साल के बाद? हाँ जी। अरे 2 साल तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नहीं होगा, खुद बोल लिया है। अच्छा, 2-3 साल के बाद जाना है घर। पक्का कांसी? 2 साल बाद? 2 साल के बाद नेपाल। अच्छा, अपना देश सबको प्यारा लगता है ना? अपना देश, अपने लोग, है ना? तो वहाँ पे काम नहीं मिलता तुम लोगों को? काम मिलता है, फिर थोड़ा ढेरी कम होता ना। अच्छा, वहाँ पे कम है? काम भी ऐसा नहीं होता, खोदने खुदने का नहीं होता। हाँ, कि ढोने का ही काम होता है। अच्छा, और ढोने का ही काम होता है। अच्छा, मिस्त्री, जो मिस्त्री होता है उसको तो लग जाता है ना मिस्त्री में। हमारे का काम कुछ नहीं होता ना। अच्छा, ढोने का ही काम? ढोने का काम बस? बस ऐसा खोदने खुदने तो वहाँ उससे होता है ना, गोरू से। गोरु? अच्छा, तुम्हारे यहाँ हल जोतते हैं? हाँ, हल। अच्छा 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 तो 2 साल बाद जब जाओगे तो फिर वापस आओगे? आएंगे। आएंगे ना? ये औरत तो नहीं आएंगे। क्यों? अब कहाँ आएंगे, आके अब तो पता लग गया इंडिया में कैसा होता है। क्या पता लगा इसको कि इंडिया में क्या होता है? इंडिया में कैसा होता है पता लग गया ना। अच्छा अच्छा कांसी, एक बात बताई सी, क्या ठक्के लाया था तेरे को साथ में? क्या बोला था इसने? अच्छा, मजे से बैठ बैठ के खाना है, ये बोला था? यही बोला था। अच्छा। ओ, उधर तो मजा होता है। हाँ, इधर बैठ के क्या करना? अच्छा, ओहो, ये उसने शादी से पहले बोला था, शादी के बाद बोला था? शादी के बाद। शादी के बाद बोला था कि इंडिया में मजे होता है, बैठ के खाना होता है। अरे भाई यार, ये तो तूने गलत किया भाई। हैं? गलत किया, सही किया ना? सही किया। घर में बैठ के क्या करना? ये भी है, लॉकडाउन से कुछ नहीं है। हाँ हाँ, आना तो पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे पैसा बहुत बनता है? हाँ। है ना? बनता है। बहुत सारा पैसा ले जाना। है ना? नेपाल में कुछ नहीं होता। अच्छा, आवश्यकताएं इंसानों को कहां से कहां लेके जाती हैं। कई बार लोगों को अपने देश छोड़ने पे मजबूर होना पड़ता है, वो दूसरे देशों में जाते हैं कमाने के लिए। अभी आपने इनसे सुना कि इनको भारत और नेपाल में कौन सा देश अच्छा लगता है, तो उन्होंने कहा नेपाल, क्योंकि वो इनकी जन्मभूमि है, उनका अपना देश है। सबको अपने देश से प्रेम होता है, वो भले कहीं पे भी चला जाए। अभी एक मेरे सब्सक्राइबर थे कुछ दिन पहले, उन्होंने मेरा एक वीडियो देखा जिसमें मैं हिमाचल प्रदेश के एक जंगल में यहाँ पे जा रहा था, और मैं मुझे अपने बचपन की यादें आ रही थी, क्योंकि मैं अपने दादाजी के साथ उस जंगल से होते हुए एक मार्केट जाता था पटाखे खरीदने, तो उसके ऊपर मैंने वो वीडियो बनाया है। उन्होंने मेरा वो वीडियो देखा और उन्होंने एक ही चीज़ कही कि इस वीडियो को देखने के बाद कहते मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई, और कहते मैं आज और इसी समय भारत वापस आना चाहता हूँ, अपने देश वापस आना चाहता हूँ, अपने स्टेट हिमाचल प्रदेश आना चाहता हूँ, अपने गांव वापस आना चाहता हूँ। हमारा जो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन है, ये एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन रहता है अपने देश के साथ में, अपनी सभ्यता के साथ में, अपने गाँव के साथ में। बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं, अपने गाँव को मिस करते हैं। जो लोग खास करके शहरों में हो, चाहे किसी भी स्टेट से हों, उनसे अगर पूछा जाए कि क्या वो गाँव में रहना चाहते हैं या शहरों में,
उनके मुंह से एक ही जवाब आता है कि वो गांव में रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि गांव की लाइफ इतनी बुरी है, गांव की लाइफ मुझे लगता है सबसे अच्छी रहती है अगर हम शहरों की लाइफ से कंपेयर करें। संसाधनों की कमी होती है गांव में, फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे। बस यही चीज़ें हैं जो हमें अपने गाँव से, अपने देश से दूर लेके जाती है, वरना अपने देश से बाहर कौन जाना चाहता है। यूं थुंगा फूल कहाँ मी एउटै माला नेपाली सर्वजुमी फैलिएका मेची महाकाली प्रतिति का कोटि कोटि सम्पदा को अचल बियरू का रगतले सोसुन तर अटल ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तरै पहाड़ हिमाल अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति सुन विशाल अग्रगामी राष्ट्रीय हाम्रो जय जय नेपाल। हमारा शादी कैसे कैसे हुआ? हमारा शादी तो अब कैसे हुआ, बढ़िया से, एकदम बढ़िया बढ़िया हुआ। हाँ जी, कहाँ मिले तुम एक दूसरे को? हम मुसाइना, मुसाइना में। हाँ, मुसाइना में एक जंगल था। हाँ, उसमें उधर से आया। हाँ, एक जैसा ऐसा है ना डारा, उसमें ऊँचा। हाँ, हमारा घर इधर पड़ा, इनका घर इधर। अच्छा। वो आया इधर इधर, हम गए इधर से, तब अच्छा। बैठ के बात किया थोड़ा थोड़ा, तब चलो आ गया। फिर आया, फिर बड़ा शादी किया ना। जब डोली खटौली किया ना, तब शादी किया, तब आया, 4-5 महीने हुआ था, नीचे आ गया इंडिया। अच्छा, चार शादी के 4-5 महीने बाद इंडिया आ गया। इंडिया आ गया। अरे कांजी, तुमने भी एकदम हाँ कर दिया इसको, हैं? अच्छा लगा, हैं? अच्छा है ना लड़का? अच्छा है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। मम्मी को, बहनी को, दीदी को, सब को लगता है बुरा। सबको बुरा लगता है? कितनी बहनें? दो बहनें। दो बहनें? एक दीदी है, एक बहनी। अच्छा, भाई भी है? दो भाई है। भाई बड़ा है छोटा? बड़ा है। बड़ा है, कोई बात नहीं, ये लेके जाएगा तुम्हें, है ना भाई? हाँ है, लेके जाऊँगा एक ना एक दिन। एक ना एक दिन का क्या मतलब है यार, जल्दी ले जाए उसको, देख बुरा लगेगा। हाँ, ये खुद बोलिए, 2 वर्ष के बाद जाना है। हाँ, 2 वर्ष के बाद जाएंगे, है ना कांसी? वह बहुत सारा लामरा पैसा ले जाके है, ऐसे बोलते हैं ना नेपाल में, काला पहाड़ जानी हो, लामरा पैसा लानी हो,
फिर नम्रा पैसे ले जाके खूब मस्ती करना वहाँ, है ना। फिर अच्छा सा घर बनाना। यहाँ के लोग कैसे लगे? बढ़िया है। बढ़िया है, हाँ। जहाँ भी काम में जाता हूँ सब बढ़िया है। यहाँ का आदमी बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। हाँ जी। इंडिया अच्छा लगा? इंडिया भी अच्छा है, लेकिन अब अपना देश कहाँ भूल सकता है। मिना कसई कसईलाई मुस्किल पोखरामा माछु आज धेरै टाढा, माछु आज धेरै टाढा, मेरो दिल छ पोखरामा। ओ माछु आज धेरै टाढा, मेरो दिल छ पोखरामा। म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा। एउटो बाटो परदेश, अर्को बाटो घर देश, परदेशी र घरदेशीको कहिले होला भेट। एक नेपाली गाना मेरे को भी आता है। माइलाई तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात पानको पात, माइलाई तिमीलाई सम्झन्छु दिनको रात पानको पात, इससे आगे नहीं आता।